हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। वैसे तो हम यहाँ आए थे फुटबॉल का मैच देखने की, जैसा आप देख पा रहे हैं, बट किसी ने बताया कि यहाँ से खाटू श्याम बहुत पास में है, तो अब हम खाटू श्याम की तरफ चलेंगे। सुनो ना संग, आ जाओ भाई, चल दिया हम फिर हैं। जय श्री श्याम। लगती है छोटी सी आजादपुर मंडी, हमारे घर से नियर पड़ता है ये खाटू श्याम मंदिर। आजादपुर मंडी नहीं, सस्ती मंडी कहते हैं। ये रही सस्ती मंडी लगती है यहाँ पर। यहाँ पे आप ताजा ताजा हरी सब्जियाँ खा सकते हैं और फिर हरी भरी पोटियाँ कर सकते हैं। यहाँ पे हम आए हैं, ये यहाँ पे आएगा चौराहा और एक छोटा सा मंदिर आएगा शनिदेव का। और आज सैटरडे है ही, तो शनिदेव को भी हम राम राम एक बार ही कह ही देंगे। कष्ट तो वैसे ही बहुत हैं, पर थोड़े से और कम हो जाएंगे। भगवान क्या पता सुन ले, कभी ना कभी तो सुनता ही है सबकी। क्या पता वो कभी हमारा आज ही हो। भगवान वैसे तो सबकी सुनते हैं, पर हमारे वक्त में पता नहीं गाना सुन रहे होते हैं या कहीं डिस्को में गए होते हैं। और ये हमारे देशभक्ति टोल मामा जी, कितने छोटे छोटे बैठे हुए। ये रहा हमारा शनि मंदिर। यहाँ पे एक छोटा सा शनि मंदिर, काली माता मंदिर है, पर शनि देव भी है यहाँ पर। ट्रैफिक वाले यहाँ पे शनि मंदिर के दर्शन करने आए। कहने को ये है गाड़ी वकील जी की है, वकील जी की गाड़ी। और गाड़ी में देखो इतना गंदा कि वकील जी से कपड़ा तक नहीं मारा जाता। वकालत करने के बाद गाड़ी में कपड़ा भी हम ही मारे, तो और क्या। गाड़ी अपनी है तो अपनी गाड़ी पे कपड़ा मारने में शर्म है, किस बात की शर्म आती है बताओ भाई। अपनी गाड़ी पे कपड़ा मारने में शर्म, गाड़ी ले जा रहे हैं अच्छी जगह ले जा रहे हैं, कम साफ सुथरी तो ले जाएंगे, गंदी होगी तो वहाँ से आनी है। क्या मेरी गाड़ी आपकी गाड़ी नहीं, तो सुबह नहीं गाड़ी अपनी है, बात अलग है। पर यह है कि अचानक से जाने थे, भाई ने कहा चलना है, मैंने कहा चलो भाई। तो आज गाड़ी में कपड़ा ना, इतना गंदा मार रखा है। आप कपड़ा डेली आके मारा करें, आज अचानक से जा रहे हैं। बस कपड़ा ही मारता रहूं मैं। वाह, कोई बात नहीं, मैं साथ में कपड़ा ही मैं मारूं। तो तू एक काम कर, तू कपड़ा मारो मत चल मेरे साथ। अच्छा, कपड़ा मारने के लिए रख रखा मुझे। अरे मतलब मैं मूंछों में की बात आ रही थी कि मेरी मूंछें ऐसी थी, भाई ने कहा मेरी मूंछों को लेकर कि मेरी मूंछें, मैंने मतलब भाई मैंने मूंछें नहीं काटी आज, तो भाई ने क्या कमेंट मारा भाई आपने कि तुम्हारी मूंछे बड़ी है। इनकी मूंछों को छोड़ो, ये 30 रुपए बचाने के चक्कर में जब जाते हैं अपनी शेविंग करवाने, तो उसे ही कहते हैं कि तू बैठ, मैं तेरी बना देता हूँ, तू मेरी बना दियो। कोई पैसा नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। पैसा इतना है कि हाँ माता रानी की दुआ से इतना तो है कि शेविंग के पैसे तो दे ही सकते हैं। 30 रुपए तो हम करा ही सकते हैं। पेट्रोल के पैसे नहीं हो सकते, पर 30 के पैसे हैं। इसी बात पे कचौड़ी आज आप खिलाएंगे? नहीं, कचौड़ी तो भाई के नाम से ही आएगी। देखेंगे तो बाहर वाले क्या ही देखेगा भाई। यहाँ आज ये धूप, इतनी धूप हो रही है, पुलिस वाले भी ना है, और इन्होंने ये यहाँ पे ताला मार रखा है। और यहाँ हम आ लिए मंदिर के पास, ये रोड सीधा मंदिर। लोगों को मस्त सा एक्सीडेंट दिखाए। और ये देखिए ये क्या हुआ, बहुत खूबसूरत। क्या हुआ ये छोटे चैंपियन को मर्सिडीज बनाने की कोशिश की गई थी, पर प्रयास विफल हो गया और ये गाड़ी का सत्यानाश, बहुत गंदा हुआ। ये गाड़ी का तोता बन गया, तोते गाड़ी का तोता। लोगों के सपोर्ट में हम यहाँ तक आ गए, इनका सपोर्ट रहा तो थोड़ी आगे सोनीपत भी ले जाएंगे एक दिन में। ये आ गए हम खाटू श्याम दिल्ली धाम पे। ये हम आगे मंदिर के पास खाटू श्याम दिल्ली धाम। गाड़ी लगाने यार, कैसे खड़ी कर दी यार बीच रोड पे। अभी वो आएंगे तुम्हारे चाचा ताऊ और उठा के ले जाएंगे गाड़ी। इतना अच्छा आप रिक्वेस्ट करते हो ना तेरे बाहर के। चलो हम आ लिए खाटू श्याम दिल्ली धाम। और ये हमने अपनी चप्पलें उतार दी यहाँ पर, अपनी गाड़ी में ही उतार दी, अंदर लेके नहीं जा सकते, अंदर चार्जेस लगते हैं। चल मेरे चप्पल तो उतारे, बाकी एंट्री हमारी यहाँ से जाएगी। ये भी जाते हैं तो एग्जिट के लिए, बाकी एंट्रेंस हम यहाँ से करेंगे, हम थोड़ा लंबा रास्ता लेंगे। ये जाएंगे हम यहाँ से, चल फिर आगे हो जा, फिर तू आ जा तो पता चलेगा ना फिर लोगों को रास्ता कितना घूमता है। फिर हम यहाँ से जाएंगे ऐसे, भगवान हमें बुलाते हैं कि थोड़ा सा चल कर आओ, मेहनत करोगे तभी तुम्हें फल मिलेगा, सभी को कहते भगवान ऐसा। और ये हम आ लिए अंदर। जय श्री श्याम। अभी हम बोलिए अंदर। जय श्री श्याम अंकल। अरे किसकी गाड़ी बंद करवा दी अब? मैंने किसी की नहीं कराई भाई। अरे तुम्हारी तो रोजी रोटी है, गाड़ी बंद करवाना है, दूसरा ही बंद करवा और अपनी चलवा। देखो ये ब्याह भगवानी तलाक की बात पहले लेके बैठ गया। ये हम आ गए यहाँ मंदिर के पास, ये अंकल जी हमें टीका लगवाएंगे। टीका लगाओ भाई, पंडित जी हमें मिले।
हो गया ठीक है, फिर हम चल दिए और ये बजाएंगे हम यहाँ पे पहले। बड़ी स्लो बजा जी। हाँ, आपको प्रसाद और ये फूल काउंटर वगैरह है जो झंडे वंडे मिलते हैं और ये फूल वगैरह सारे मिल जाएंगे जो लेना है आपको यहाँ पे, प्रसाद वगैरह सब मिल जाएगा। और ये हमारी कचौड़ी की जगह और आगे भी है कैंटीन वगैरह, आते वक्त दिखाएंगे वो हम कैंटीन वगैरह जो लास्ट पड़ता है। बाकी जय श्री श्याम और बच्चों का प्ले वे वो आते वक्त दिखा देंगे ना, पहले हम एग्जिट कर जाएं अंदर। एंट्री एंट्री ब्रो। और यहाँ पे आपको ये सुविधा भी मिलेगी, ये BMW आएगी आपको लेने के लिए मिलेगी। तो ये देखो अंकल जी ने आए कह दी BMW लेके आ गए। घंटे के गाने सुनो, जय श्री श्याम। अंदर आ लिया मंदिर में, लोहे का टाइम भी यहाँ पर एक एक डेढ़ घंटे पर आता है। देखो लोहा इतना गर्म है कि लोग इस पर चढ़ नहीं रहे, इस पर चढ़ नहीं रहे क्योंकि ये गर्म इतना हो जाता है। जब जगह होगी तभी आगे लोग लेंगे ना। वैसे ये पहाड़ियों का भी अनुभव दे देता है। हाँ आप यहाँ नहीं, ये उस गाइड मतलब जैसे जयपुर में है कुछ उसको लेकर सोचा गया है कि जयपुर के हिसाब से बनाएंगे हम कि जयपुर जैसा थोड़ा लगे। बाकी ये शक्तिपीठ कहते हैं इन्हें इस जगह को। बाकी आप देख भी सकते हो बहुत बढ़िया। बाकी हम आ गए मंदिर में। जय श्री कृष्ण। यहाँ भी रास्ता घूमता। और ये देखो ये है जयपुर बेस्ट, सबसे मैच जो करता है जयपुर से यहाँ पर, ये है वो बड़ा पंखा। ऐसी बात नहीं है कि वो छोटे पंखे अफोर्ड नहीं कर सकते थे मंदिर वाले, पर बड़ा पंखा लगाने के लिए ये था कि लोगों को लगे कि हाँ जयपुर जैसा है यहाँ पर थोड़ा सा, वहाँ पर मतलब जयपुर से बहुत जोड़ के सोचा है कि हाँ जयपुर जैसा मैच करें। बाकी ये हरे हमारे बाबा, बाकी हम आपको पास जाके दिखाएंगे। हम ये मंदिर से निकल रहे हैं और ये मंदिर से निकलने के बाद हमें दिखता है क्या 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 घंटा हमें दिखता है यहाँ पर, ये इतना बड़ा एक कहाँ क्या ये रहा इतना बड़ा घंटा घंटे से याद है। पर ये देखो चलते चलते दिखा कुछ कि गर्मी में यहाँ पे लोग बर्फ़ तोड़ रहे हैं और हम यहाँ चल रहे हैं। अरे वो मेरा प्राइवेट प्लेन वहाँ खड़ा है तो वो लॉन्च करेगा। वकील जी पायलट जा रहा है आपका वकील, ये मैं अपना ड्राइवर मैं अपना ड्राइवर अपने साथ ही लेके चलता हूँ। ये ड्राइवर जाएगा और मेरी गाड़ी लेके आएगा मेरे साथ। प्लेन का पीछे वाला टायर पंचर है। टायर पंचर नहीं है, प्राइवेट प्लेन है वो मेरा। तो टायर पंचर, प्राइवेट प्लेन का टायर पंचर नहीं होता। नहीं मैं नया टायर लगाता हूँ, पैसा है उसमें प्योर लोहा है। अब हम जा रहे अपने प्लेन के पास। प्राइवेट प्लेन तेरी फोटो तो खिंचवा दूँ भाई की धूप लग गई है ऐसे गर्मी। पहले पता होता ना पैरों के नीचे एक शीट और लगवा लेता पर व्यू अच्छा है। चल और यहाँ पे आ गए हम, ये गौशाला ये मतलब मैं लोग बजाते रहते पहले हम भी बजा देते जब लोग बजा तो हमारा क्या जा रहा। हाँ आनंद देखो गायों के लिए भी वहाँ पर मतलब फुल प्राइवेसी मतलब वो दे रखा है ना कि सेफ्टी के लिए गर्मी ना लगे गाँव को। पूरा कूलर वूलर चल रहा, पंखा वंखा लग रहा है यहाँ पे, फुल पंखा वंखा लग रहा है यहाँ पे। अभी हमारी गाय माता किसी से कुछ छेड़े वाले मुझसे प्यार इतना करते हैं ना। हाँ इतना तो मेरे को मेरे घर वाले प्यार नहीं करते। वो जो कंपनी वाले तुम्हें पैसे ले लेके बैठे हो ना वो उठाएंगे तुम्हें एक दिन। एक बार मेरे पापा कह रहे कंपनी वाले इतना तुझे कॉल करते हैं ना, कंपनी वाले को बोल कि मुझे अपने घर में रख ले। अच्छा हाँ जी, तो फिर कंपनी वाले तुम्हें EMI पे डालेंगे, EMI पे लेके जाओ इसे। किस्तों पे बटूंगा मैं, किस्तों पे बटेंगे फिर हम। ये रहे श्याम जी, हम चल रहे अभी यहाँ से। सर आपका प्लेन तो आया नहीं, रथ पे चलेंगे, रथ पे आपका प्लेन तो आया नहीं। नहीं नहीं हम किसी जानवर को कल बाबा निकल चुके हैं अपने घर के लिए। और हमें अभी क्या हुआ था भाई वो बताओ। हाँ हाँ हमें पकड़ा, हमें मिले थे कुछ ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर और वो छोटू से हमारे रजनीश भाई से कहने लगे कि पेटीएम कर दे। कैश नहीं है तो पेटीएम कर दे, कैश नहीं है तो पेटीएम कर दे। अब उनको किसी ने शायद खबर दे दी कि इनके पास प्राइवेट प्लेन है, तो ये अपने प्लेन की चाबी उन्हें दान दे के आए हैं।
इतना बड़ा दिल है हमारे भाई का। मैंने कहा रख लो, तुम भी याद रखोगे, प्राइवेट प्लेन रखो। इतनी खुशी, सॉरी सॉरी, मुझे पता है। हाँ, रहन दे बेसुरे, मुझे पता है मैं अभी बहुत बेसुरा गा रहा हूँ, बट क्या करे, सफर ऐसा है, गाने का मन कर जाता है। ये हमारे प्राइवेट प्लेन के मालिक, ऐसी गरीबी आ गई, वैगनार में आ गए और ड्राइवर बने हुए हैं फिलहाल बेचारे। मालिक गाड़ी चलाएगा और ये ड्राइवर बैठ के। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग और ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और हमें अपना प्यार भेजते रहें। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।